का चैनल बनाने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाइए। ब्राउजर में जाने के बाद अपने ब्राउजर में जाने के बाद इसके गूगल बार में टाइप कीजिए YouTube। YouTube.com और इसको एंटर कर दीजिए। और जैसे ही YouTube की वेबसाइट खुल जाएगी तो आपको यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करिए, ये आपकी YouTube की वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखिए जैसे ये वेबसाइट खुल जाती है उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे मैं पहले से साइन इन हूँ इसलिए यहाँ पे साइन इन का साइन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ तो मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ये देखिए साइन आउट कर देता हूँ। और इसके बाद आपको करना क्या है तो आपकी स्क्रीन पे जो आएगा वो ऐसे खुल के आएगा YouTube जो है। इसके बाद अब आपको YouTube चैनल बनाना है, देखिए आपके इस पे ब्राउज़र पे जो है इंटरफेस YouTube का ऐसे खुल के आएगा। अब यहाँ से आपको YouTube चैनल बनाना कैसे है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे साइन इन का बटन दिया होगा, इस पर क्लिक करके साइन इन कर लीजिए, या फिर आप न्यू टैब लेके जीमेल के थ्रू जाके भी साइन इन कर सकते हैं। चलिए मैं यहीं से साइन इन कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे दो जो अकाउंट हैं उनसे मैं साइन इन कर सकता हूँ, तो मैं चलिए इससे साइन इन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली अपनी और यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड, ये हमने अपना पासवर्ड डाला और इसको साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद देखिए हमारा जो इंटरफेस है ऐसे खुल के आएगा। इस पर देखिए ये देखिए ये हमारा YouTube पे हम यहाँ पे साइन इन का आ गया। इस पर आप क्लिक करके अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं, हाँ ये हमारी ईमेल आईडी है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ जाना है और इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये साइट में जो है ये बार खुल के आएगा पूरा। इसमें देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन है माई चैनल नाम का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे यूज यूट्यूब एज, ये देखिए आपका ईमेल आईडी का नाम ही दो पार्ट में टूट के आ जाता है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप जो भी नाम लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और इस पर क्या करेंगे, क्रिएट चैनल पर क्रिएट करेंगे हम। यहाँ से जाके इसका अनदर नेम देखिए लिखा है यूज अ बिजनेस और अदर नेम, यहाँ से हम कोई बिजनेस नेम या कोई अलग नेम भी ले सकते हैं और हमें बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये यूट्यूब का चैनल है तो इसका नेम हमें सर्टेन टाइम्स ही चेंज कर सकते हैं, इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको क्रिएट चैनल पर क्लिक करते हैं और ये हमारा चैनल बनना शुरू हो गया। और ये देखिए ये आपका चैनल तैयार हो गया। जैसे ही आपका चैनल बन जाएगा तो आपको ये वाला पैनल खुल के दिखेगा, ये देखिए ये हमारा चैनल बन चुका है। और आपका जो भी ये देखिए यहाँ से आप इसका आइकन जो आपका जो है इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हैं, तो आप इसको एडिट पर इस पर क्लिक करेंगे और इसका चैनल एडिट चैनल आइकन पर जाके इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए खुल रहा है, यहाँ से आप जाके इस पे पिक लगा सकते हैं, कोई भी आप पिक लगा सकते हैं या कोई चैनल का लोगो लगा सकते हैं। ये देखिए अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन आया, लेकिन मैं अभी ये सब फ़ोटो नहीं लगाना चाहता इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और ये देखिए नीचे इसकी डिटेल है, आप क्या डिटेल रखना चाहते हैं, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है आपके जीमेल से ले ली जाएगी, आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और आपका और कोई चीज़ देखनी है, चूँकि इसमें एक अकाउंट जो बनता है वो YouTube पे बनता है, साथ में एक अकाउंट Google पे भी बन जाता है, तो आपके दो जो सारी सेटिंग जो YouTube पे रहती हैं वही Google पे रहती हैं। चलिए हम अपने YouTube चैनल पे वापस आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसका जो है चैनल का आर्ट जो हम चैनल का व्यू जो होता है उसको भी सेट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ YouTube के थीम्स हैं, हम उन्हीं में से कोई एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए तो हम यहाँ गैलरी में जाते हैं और इन्हीं में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए तो जैसे कि मेरा वाला जो जिस चैनल पे आप देख रहे हैं उसका जो थीम है वो मैंने ये वाला सेलेक्ट करके रखा है, ये वाला जो थीम है इसको हमने सेलेक्ट करके रखा है। अब देखिए ये जो है ये जो हमारा थीम है इसका जो हिस्सा यहाँ दिखने में मिलेगा ये वाला हिस्सा आएगा, आप चाहें तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ऐसे दिखेगा और मोबाइल पे ये ऐसे दिखेगा, और अगर आप टीवी पे उसको जैसे टीवी चैनल से कनेक्ट करते हैं तो टीवी पे ये ऐसे दिखेगा, आप चाहें तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा खुल के आ गया, हमें कितना शो अप होगा ये हमें इतना हिस्सा दिखाई देगा। हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते, हम इसको ऐसे रहने देते हैं और सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये सेविंग हो रहा है और ये देखिए आपका चैनल का जो है आ चुका है। और इसके अलावा अब आपको
वीडियो बनाने के बाद अपलोड कैसे करेंगे, तो देखिए ये देखिए कॉर्नर पे जो है अपलोड का साइन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ लोडिंग हो रही है, यहाँ पे आपका अपलोड का ऑप्शन आएगा, ये देखिए इस पर क्लिक करिए तो आप डेस्कटॉप से या आप अपने कंप्यूटर से जहाँ भी आपने फाइल को सेव करके रखा है वहाँ से आप वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप वीडियो को ला के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी इसको वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पैनल खुल जाता है जहाँ से हम फाइल को सेलेक्ट करके और हम इसमें अपलोड कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन हमें अभी कोई वीडियो तो अपलोड करना नहीं है तो इसको हम अभी कैंसिल कर देते हैं। ऐसे हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, हम अपने चैनल में वापस जाते हैं। देखिए या तो हम यहाँ से बैक जा सकते हैं या फिर हम कभी भी कहीं पर भी हमें डायरेक्ट अपने चैनल पर जाना है तो हम यहाँ पर जाके माई चैनल पर क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा चैनल आ गया। इसके अलावा हम जरूरी नहीं है कि हम एक ही चैनल बनाएं, हम एक ही आईडी से कई चैनल बना सकते हैं, तो हम जितने चैनल चाहें उतने बना सकते हैं, जितने चाहें उनको मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन जो चैनल का डालना हो वो चैनल का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप, यहाँ पर जाके चैनल की सेटिंग में जाएंगे और ये सारी सेटिंग, वीडियोज़ को प्लेलिस्ट को प्राइवेट रखना है, और अगर आपको एडवांस सेटिंग में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडवांस सेटिंग में चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको कंट्री का नाम, चैनल का कीवर्ड जो लेना है इसको अगर चेंज करना है, यहाँ से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं जो चैनल का नाम है। इसके अलावा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का, आपको कौन से एडवर्टाइजमेंट देने हैं कौन से नहीं देने हैं। उसके बाद आपका ये देखिए नीचे सारे वो हैं, उसके बाद यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, इसको सारी डिटेल फिलअप करके सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपको दिख रहा है पूरा जो पैनल है ये आपका YouTube को हेल्प करता है, ये आपका डैशबोर्ड है कि आपने कितने वीडियो डाले हुए हैं, क्या उससे अर्निंग हुई है, क्या उसमें देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि नो वीडियो अपलोडेड, नो वॉच टाइम जीरो, व्यू जीरो, सब्सक्राइबर जीरो, क्योंकि अभी हमने चैनल बनाया इसमें कोई व्यू नहीं है, कोई चैनल नहीं इससे ऐड है। मैं आपको अपना चैनल का डैशबोर्ड खोल के अभी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि डैशबोर्ड में क्या क्या है। ये वीडियो मैनेजर है, यहाँ से आप वीडियो के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं, चूँकि यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आ रही है। ये यहाँ का आपका चैनल का एनालिटिक्स है, यहाँ पे आपको अर्निंग दिखाई जाएगी कि आपने कितना अर्न किया है इस चैनल से। तो आइए मैं आपको अपना एक चैनल दिखा दूँ पहले, ये देखिए ये मेरा, इसमें मैंने एक चैनल बना रखा है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसको इसमें यूट्यूब खोलेंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, और जैसे ये लोड हो जाता है ये देखिए ये लोड हो रहा है, और उसके बाद हम अपना चैनल खोलेंगे, काफ़ी टाइम ले रहा है। उसके बाद हम इस पर क्लिक करके अपना चैनल कभी भी खोल सकते हैं जो हमने एक बार बना चुके हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ से आ रहा है, लोड होने में काफ़ी टाइम ले रहा है। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है हिंदी टैग धमाका, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी उससे रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ये लोडिंग लेने में काफ़ी टाइम लग रहा है, हाँ ये देखिए अब मैं इस पर क्लिक करूँगा जैसे ही तो ये मेरा मेनू खुल के आ जाएगा, इस पर माई चैनल पर क्लिक करते ही मैं अपने चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। ये देखिए ये मेरा चैनल है, इसमें मेरे इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप चैनल पर जाके, चैनल का नाम है हिंदी टैग धमाका, इस चैनल पे जाके यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और आपको अगले वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। ये मेरे इतने सारे वीडियो पड़े हैं तो आप इनको, इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छे से हिंदी में हमने वीडियो बनाए हुए हैं, तो ज़रूर देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम आपको डैशबोर्ड दिखा दें, तो हम सबसे पहले वीडियो मैनेजर पर क्लिक करेंगे, और ये देखिए वीडियो मैनेजर खुल गया है, ये देखिए वीडियो जितने भी रहेंगे वो यहाँ पे लोड हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 6 वीडियो, ये देखिए मेरे सारे वीडियो, ये कितना व्यू हुआ है, कितना लाइक हुआ है, सब कुछ इसमें डिटेल दी रखी है, कौन कितने दिन पहले, ये देखिए जैसे ये 24 अगस्त यानी कि 2 दिन पहले डाला है, ये 25 अगस्त को डाला है, सारा इसमें डिटेल दी हुई है। अब इसको हम डैशबोर्ड खोल के देख लेते हैं, ये देखिए डैशबोर्ड खुल रहा है, डैशबोर्ड पर इसमें सारी आपको ये देखिए ये चैनल है, कितने व्यू हैं, कितने लाइक हैं, सारे डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, ये आपका कितने वॉच टाइम है, कितने व्यू हुए हैं अभी तक, क्या आपका अर्निंग है, सारा जो इन वीडियो की अर्निंग है, इंडिविजुअल वीडियो की अर्निंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगी।
हैं।